वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साहब की कृपा नाल असीं पाकिस्तान की धरती के दर्शन कर रहे हैं। तो हसन अबदाल तो होंदे हुए लाहौर तो हसन अबदाल उत्थे 3 दिन का समागम करके असीं हुण करतारपुर साहब जिहड़ा गुरु नानक देव जी ने अपने हथीं नगर बसाया तो अपने जीवन के अखीरले 18 साल गुरु साहब ने इत्थे बतीत किए। तो वाहिगुरु जी तुसीं दर्शन कर रहे हो सारे, उस सामने जो आपां गोल इमारत देख रहे हैं वह खूह है गुरु साहब जी का। उस खूह तो ही गुरु साहब जी अपनी खेती में पानी लगाते सी। देखो ये सारी आले दुआले जिनी खेती है ये गुरु नानक देव जी के नाँ पर बोलती है, तो हुण भी सारी जमीन गुरुद्वारे की है। तो बड़ी सोहनी इमारत पुरातन बनी हुई है, असी 3री मंजिल से हाँ। तो देखो मुसलमान वीर सेवा करते ने, ये कोई पैसे नहीं लेंदे, ये कोई तनखाह तो नहीं रखे, ये बस अपनी श्रद्धा नाल सेवा। मैनू मेरे ख्याल च 1.5 घंटा हो गया इन्हों देखद, ये थले भी सारी सेवा इन्होंने की है तो हूँ भी उपर ही सेवा कर रहे हैं। इन्हों सलाम है, असली संत ये ने, होर नहीं है कोई। जेडे अपने गड्डिया च घूमते ने जैशा करते हैं, है ना, बहुत सोहना जीवन बतीत करते हैं। असली संत ये ने जिन्हें इन्हों मैं देखद 1.5-2 घंटे तो हो गया सारी सेवाई रोज करते हैं, है ना। गुरु साहब इदा इन्हों पर कृपा अपनी बनाई रखन। तो देखो किन्ना सोहना नज़ारा, पाकिस्तान के पुराने पिंड देखो सारे, साडे बजुर्गों का पुराना पिंड। इस थोड़े दूर ही पिंड पीरकोट है जिहड़ा साडा, जिसनों साडे बजुर्ग उठ के आए थे, वो सामने मोटर चलती है। देखो ये बस जिस असी आए हैं जी, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। आ देखो जी लोग अपनी मझां गावां नूं लै के आ जाए सवेरे सवेरे, शाह वेला जिहनूं कहिंदे ने। साडे ते हुण बोली अल्फाज ही साडे चेंज हो गए, हिंदी नाल मिक्स हो गए, अंग्रेजी नाल मिक्स हो गए। इत्थे अजे भी पुरानी ओही बोली है ते पुराना ओही सभ्याचार इत्थे इहनां लोकां ने, हिंदुआं ने, सॉरी मुसलमान वीरां ने ते पंजाबीआं ने ओही संभाल के रख्या होया। हजे तक इहनां दी बोली दा लहजा उस तरह ही बोलदे ने जिदां पहलां बोलदे सी। आ देखो मझां चुगाण लै के जा रहे ने आपदियां सवेरे सवेरे। वो देखो एक होर बड़ी इंटरेस्टिंग गल है, इथों सिर्फ 2 किलोमीटर है सामने हिंदुस्तान का बार्डर। तो वह जिहड़ी तुसीं, मैं थोड़ा जूम करदा, जिहड़ी आपां रुखां दी झिड़ी देखदे पए ना सामने, इत्थे बार्डर है। तो इत्थे झिड़ी दे विच इक पॉइंट है जिथों पंजाब दीआं सिख संगतां हिंदू वीर भी दूरबीन दे नाल करतारपुर साहिब दे दर्शन करदे ने। आ साडा जथा सारा, असीं 8 जने इंडिया तो आए हाँ, तो हुण लंगर पानी का प्रबंध हो रहा। तो बड़ा सोहना लग गया गुरु की कृपा नाल, बड़ियां कंट्रियां च जाने हाँ, गुरु ने बड़ी कृपा की, हर थाई घूमदे हाँ। मगर फॉरन कंट्रियां नालों आस्ट्रेलिया ला लो, कनेडा, इंग्लैंड जो भी है वह असीं हुण पाकिस्तान ना के जिहड़ा मेरे मन नूं सुकून मिलिया ना, वो मैं दस नहीं सकता। ये नहीं गल मैं वीडियो बना दी मैं तां कह रहा, मगर नहीं सच्ची गल है, मेरे दिल की भावना गुरु नानक महाराज जानते हैं भी जो इतने मैं सुकून मिलया आके, इतने आके लग्या ही नहीं मैं किसी बगाने देश चा, इतने आके लग्या ही मैं ये है भी यही साडा अपना जद्दी घर है। देखो लोग मझा चगा रहे, साडे तो इंडिया चो पंजाब चो ही लगभग ये कल्चर खत्म हो चुका। तो सामने एक टोभा सूआ वग रहा बड़ा पिछों, और तो मैं देख रहा लोग अपने रेहड़े समेत, बच्चे समेत, रेहड़े समेत सूए च लंघ जाते हैं, परले पास जा रहे हैं। हूं तो मैं 2 वेखे ने, हूं तो कोई शायद आ नहीं रहा। यह वीडियो मैं बना रहा अपनी मम्मी डैडी की जो अमेरिका ने, वो वेखणगे तो उतो ही गुरु नानक के घर के दर्शन करे। हूँ मैं थले जाना, मैं थोड़ा पूरे तरीके पूरी बिल्डिंग दिखा थले जा। वाहिगुरु जी, ये गुरुद्वारा साहब है 2री मंजिल पे।
ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦਫਨਾਵਾਂਗੇ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਹ ਸਮੇਤ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜੋ ਚਾਦਰ ਸੀ ਜੋ ਮੰਜੀ ਸੀ ਜੋ ਫੁੱਲ ਸੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਮਾਧ ਬਣਾਈ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮਾਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦਫਨਾ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਦਰ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਥੋੜੇ ਫੁੱਲ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਮਾਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਹ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ 1923 ਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।